मित्रों, इंसान किसी भी धर्म का क्यों ना हो, मरने के बाद उसकी शव यात्रा निकाली ही जाती है। और हिंदू धर्म में तो शव यात्रा को काफी महत्ता दी गई है। चाहे व्यक्ति ने एक लंबी उम्र के बाद संसार छोड़ा हो या फिर उसकी अकाल मृत्यु हुई हो, दोनों ही स्थिति में शव यात्राएं निकाली जाती हैं। ऐसा माना गया है कि शव यात्रा से न सिर्फ मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि शव यात्रा में शामिल होने वाले लोगों की भी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर रास्ते में आपको चलते हुए कभी कहीं शव यात्रा दिख जाए तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार से। मित्रों, आपने कभी ना कभी रास्ते से गुजरते हुए किसी शव यात्रा को देखा ही होगा। आप में से कई लोग शव यात्रा को देखकर डर भी जाते होंगे और सोचने लगते होंगे कि शव यात्रा दिखने से उनका पूरा दिन खराब जाएगा। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो शव यात्रा में शामिल किसी व्यक्ति के शरीर को छू जाने पर भी घर आकर स्नान करते हैं। कई लोगों के दिमाग में ये भ्रम होता है कि वो व्यक्ति मृत्यु के बाद अब एक भूत बन गया है और उसकी आत्मा उसका पीछा करेगी, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप भी रास्ते में दिखने वाली शव यात्रा को अशुभ मानते हैं तो आपको बता दूं कि हिंदू धर्म में शव यात्रा को देखना अशुभ नहीं बल्कि शुभ माना गया है। यही नहीं, शव यात्रा दिखने पर कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जिन्हें करने पर आपकी सोई किस्मत बदल सकती है। आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि इंसान आता भी खाली हाथ है और चार कंधों पर जाता भी खाली हाथ ही है। तो मित्रों, सबसे पहला काम ये है कि अगर आप किसी अपने या परिजन की शव यात्रा में जा रहे हैं तो आप उसे कंधा देने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपके जीवन में संचित पुण्य बढ़ जाता है। हालांकि शास्त्रों में इस बात का भी उल्लेख है कि पिता की मृत्यु के बाद बेटों और भाई को कंधा देना चाहिए। अगर ये दोनों ना हो तो समान जाति के लोग या फिर गांव के लोग कंधा दे सकते हैं। कंधा देने के संबंध में और भी कई नियमों का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। इसके अलावा दूसरी बात ये है कि अगर आपको शव यात्रा अनायास ही कहीं दिख जाए और आप कंधा ना लगा पाए तो भी आपके लिए ये कोई अपशकुन नहीं है। अभी भी कई लोग ऐसा मानते हैं कि रास्ते में अगर वो कहीं विशेष काम से जा रहे हैं और उन्हें शव यात्रा दिख गई तो उनका काम पूरा नहीं होगा। दरअसल व्यक्ति मृत्यु के बाद परमात्मा की शरण में चला जाता है। ऐसे में अगर आप रास्ते में किसी शव यात्रा को देखते हैं तो समझिए कि आपका काम सफल होगा, क्योंकि ये परमात्मा का आशीर्वाद ही माना जाता है। तीसरी बात ये है कि आपने शव यात्रा में लोगों को राम नाम सत्य है बोलते हुए सुना होगा। अंत समय में अगर किसी इंसान के मुख से भगवान श्री राम का नाम निकलता है तो कहते हैं कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, चाहे उसने अपनी जिंदगी में कितने भी पाप क्यों ना किए हों। लेकिन आखिरी वक्त में जब मृत्यु आपके निकट हो तो आपके मुख से निकला भगवान राम का नाम आपको परम धाम की प्राप्ति करवाता है। हालांकि ऐसा बहुत कम ही लोगों के साथ होता है कि वो आखिरी वक्त में राम का नाम ले सके। जब शव यात्रा लेकर लोग निकलते हैं तो राम नाम सत्य बोलते हैं, इसीलिए अगर आपको भी शव यात्रा दिखे तो आप प्रभु श्री राम का नाम जरूर लें। 2 मिनट का मौन संभव हो तो अवश्य रखें और हो सके तो शव यात्रा पर पुष्प भी बरसाएं। ऐसा करने से मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है। अब चौथी और आखिरी बात जो विशेष ध्यान देने योग्य है वो ये है कि अगर किसी सुहागिन महिला का शव आपको रास्ते में दिख जाए तो आप सिंदूर का दान अवश्य करें। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि पति के रहते पत्नी की मृत्यु होना उस स्त्री के लिए काफी सौभाग्य की बात है। प्राचीन काल में हर महिला जो पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहती थी वो भगवान से यही कामना करती थी कि पति के रहते रहते उसकी मृत्यु हो जाए। आपने भी सुना होगा कि सती प्रथा के अंत से पहले पति की मृत्यु के बाद महिला को भी जला दिया जाता था, हालांकि कालांतर में ये प्रथा बंद हो गई। तो मित्रों, अगर शव यात्रा दिखने पर आप इन चारों में से कोई भी कर्म करते हैं तो आपके ऊपर श्रीहरि की कृपा बनी रहेगी और आपके जीवन में खुशहाली जरूर आएगी। अगर शव यात्रा से जुड़ी ये चार बातें आपको पहले नहीं पता थी तो मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं और आगे से इन बातों का विशेष ख्याल रखें, जिससे आपके जीवन में संचित पुण्य की मात्रा बढ़ सके। और जब मृत्यु निकट हो तो आपको अपने जीवन में प्राप्त किए गए इन पुण्यों के प्रभाव से
स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारी ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी सभी धार्मिक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें द डिवाइन टेल्स यूट्यूब चैनल और लाइक करें हमारा फेसबुक पेज। सभी तरह की धार्मिक वस्तुएं खरीदने के लिए अभी जाएं shop.thedivinetales.com पर। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।